सोनीपत जिला के गन्नौर क्षेत्र के तहत आने वाले गांव पीपली खेड़ा में 11वीं क्लास के दो छात्र गुटों के बीच बेंच पर बैठने को लेकर झगड़े के बाद स्कूल के बाहर दो सगे भाइयों को चाकू से हमला करने के मामले में खानपुर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे भाई का इलाज चल रहा है। और आरोपी छात्रों को गिरफ्तारी करने के बाद दो पुलिस टीमों का गठन भी कर दिया गया है। तो क्या नाम है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता है। इन दो गांव के बच्चों के साथ इन मार पिटाई कर दी है। स्कूल में छुट्टी होती है, बाहर आते ही दो भाइयों को चक्कू मार दिए। गांव के दो चार बंदे हैं, चार लड़के हैं, जयदीप है उनके साथी है। और तो एक भाई एक्सपायर हुआ है यहाँ पे, और एक घायल है, इमरान की मौत हो चुकी है, और एक घायल है समीर, उसको इलाज चल रहा है जी। अच्छा, ये पढ़ते थे स्कूल में? पढ़ते थे, एक बार में था, एक बार में था। जो इमरान कौन सी में पढ़ता है? इमरान 11वीं में था और समीर 12वीं में था। तो वो जो लड़के हैं जो गांव के, ये भागे सारे? ये गांव में एक पकड़ रखा जी पुलिस ने, वो बाकी फरार है। चाकू मारे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बेंच बैठने बैठने के लिए चक्कर में झगड़ा हुआ है। दोनों? हाँ जी, दोनों क्लासमेट है। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? जयवीर नाम है। स्कूल में दो ग्रुपों में चक्कू चल गया आपस में, एक क्या सूचना मिली, क्या कार्रवाई की है इसमें? इसमें अभियोग दर्ज कर दिया गया है, परंतु इन दोनों ग्रुपों में बच्चों में पहले से ही तनाव था। दो तीन दिन से इनकी घर बैठकर आपस में बातचीत हो गई थी, और फिर कल दोबारा से इनका कोई स्कूल में झगड़ा हो गया। फिर स्कूल से बाहर जयदीप नाम का लड़का ने दो अपने सगे भाइयों को चक्कू मार दिया, जिसमें इमरान की मृत्यु हो गई और समीर वो जेरे इलाज है, दाखिल है। इनके खिलाफ आरोपी जयदीप और वो उसके साथियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर दिया गया है। एसपी साहब ने टीम लगा रखी है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चार पे मामला दर्ज किया है? हाँ, चार पे मामला दर्ज किया है, और भी बच्चे हो सकते हैं, उनकी छानबीन की जाएगी। तो झगड़ा किस बात को लेकर बता रहे हैं? झगड़ा तो इनका बेंच पर बैठने का है, अभी तक आगे और गिरफ्तारी होने के बाद पता लगेगा। पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी की उम्र 16-17-18 साल से नीचे नाबालिग बच्चे हैं। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए करा रहे हैं। पोस्टमार्टम करके आज नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।